नमस्कार दोस्तों, प्राइम लर्निंग चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं उम्र से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके अलावा यदि हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और डेली फ्री पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बी ए से 18 वर्ष बड़ा है, आज से 6 वर्ष बाद बी की उम्र सी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2 हो जाएगा। यदि वर्तमान में सी की उम्र ए की उम्र की दोगुनी है तो 4 वर्ष पूर्व बी की उम्र क्या थी। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपको बी और सी के अनुपात दे रखा है और सी और ए का डाटा गिवन है। यहाँ आपको बी के उम्र का अंदाजा लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले हम एक्स मानना स्टार्ट करें कि ए का वर्तमान उम्र हमने मान लिया एक्स है, तो बी का वर्तमान उम्र क्या होगा, एक्स प्लस 18 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और साथ ही साथ सी का वर्तमान उम्र क्या होगा, वो कि गिवन है कि ए का दुगुना है, यानी कि 2x हो गया। ए बी सी का हमने उम्र निकाल लिया ना कि x x प्लस 18 और 2x है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बी और सी के उम्र का रेशियो जो है वो 3:2 है, कब, 6 साल बाद। तो बी का वर्तमान उम्र x प्लस 18 और 6 साल बाद प्लस 6 और बी का उम्र 2x, ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 2 और 2 एक दूसरे को वैनिश कर जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 24। ये x को साइड चेंज कराएंगे तो ये 2x इज इक्वल्स टू 24, यानी कि x इज इक्वल्स टू 12। ये मेरी x की वैल्यू होगी। यहां से आपको ये पता चल जाता है कि x की वैल्यू 12 है, यानी कि ए का उम्र क्या हो गया 12, बी की उम्र क्या हो गई 12 प्लस 18 30 और सी की उम्र 24। लेकिन सवाल आपसे ये पूछा गया है कि 4 वर्ष पूर्व बी की उम्र क्या होगी। 4 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो अभी इसका उम्र 30 है और 4 साल पहले की बात की जाए तो -4, यानी कि 30 - 4 26 वर्ष। तो बी की 4 वर्ष पूर्व उम्र जो है वो 26 साल। ये मेरा राइट आंसर है जो कि आंसर नंबर 4 से मैच करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। आज के दोस्तों धन्यवाद, मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।